ये है भारतीय सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर। आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य की तरफ उड़ान भर रहा है। ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर जो है वो एक जयपुर के इवेंट में शामिल हुआ था और वहां पर ये अपने कलाबाजियों का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ये क्या, ये अचानक से पीछे की तरफ उड़ने लगता है। पीछे की तरफ उड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसे कहते हैं बैकवर्ड मूव एंड स्किलफुल फ्लाइंग। और इसकी जो क्षमता है और इसका प्रदर्शन जो है इस हेलीकॉप्टर ने जयपुर के इस इवेंट में किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना का ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर बड़ा ही खास है, लेकिन इसकी इस उड़ान ने अब इसे और भी खास बना दिया है। इसकी चर्चा हो रही है और इसके इस उड़ान की क्लिप जो है वो वहां के PRO ने ट्विटर पर पोस्ट की है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये बड़ा खास है। भारतीय सेना का हिस्सा हो चुका ये रुद्र हेलीकॉप्टर दुश्मनों की नींद उड़ाने में सक्षम है। लेकिन आपको बता दें कि जब इसकी उड़ान की ये तस्वीर सामने आई तो लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और रिकग्निशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। इसके फ्यूल टैंक पर गोली लगने के बाद भी ये नहीं फटता है, गोली लगते ही ये सील हो जाता है, जिससे किसी भी तरह का हादसा जो है वो आसानी से टल जाता है। इसकी पूरी कॉकपिट कांच की बनी हुई है और ये 290 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पूरी तरह देश में बना ये एंटी टैंक मिसाइल हेलिना को इस पर तैनात किया गया है और इसके नेवी वर्जन के साथ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम इसमें भी लैस किया गया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर बहुत खास है। इसमें 20 mm के कैनन को ग्राउंड अटैक के लगाया गया है। HAL द्वारा बनाए गए इस हेलीकॉप्टर के आगे एक बड़ी गन लगी है। सटीक निशाना साधने के लिए इसके ऊपर 20 mm की ये कैनन लगी हुई है। इसके साथ इसमें कैमरे की लेंस लगी है। इससे ये जमीन पर हमला करने में कारगर है। इस कैनन की मदद से पायलट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में कारगर है। दोनों ही जगह एक वक्त में 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में इससे बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। इसमें 70 mm का रॉकेट और मिसाइल सिस्टम लगा है। एक साथ 40-45 रॉकेट और 8 मिसाइलें ये ले जाने में सक्षम है। जोधपुर में हेलीकॉप्टर की यूनिट को पहले 3 साल ध्रुव के स्थान पर तैनात किया गया था। आपको बता दें कि इससे पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न बॉर्डर पर एयरफोर्स कहीं भी शॉर्ट नोटिस मिलने के साथ ही इससे स्ट्राइक कर सकती है। रुद्र की खास बात यह भी है कि इसे देश में बनाया गया है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और ये दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकता है। मौसम की स्थिति में दुश्मन पर ये नजर रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पायलट के हेलमेट के साथ इस पर लगी गन भी घूमती है। ऐसी स्थिति में पायलट को दुश्मन को निशाना बनाना आसान हो जाता है। रुद्र में 20 mm की जो टारगेट गन हमने बताया कि वो लगी हुई है। इसके अलावा ये अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को हवा से हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। रुद्र में एक साथ 2 पायलट आसानी से बैठ सकते हैं और ये अपने साथ कुल 14 लोगों को ले जा सकता है। 14 यानी कि 12 पैसेंजर्स और 2 पायलट। अब हम इसकी तकनीकी खूबियों की बात करते हैं। इसने अपनी पहली उड़ान 16 अगस्त 2007 को भरी थी और इसे सेवा में तैनात किया गया है। ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में तैनात है। इसमें 2 पायलट होते हैं और इसकी लंबाई 15.87 मीटर है, चौड़ाई 3.15 मीटर, ऊंचाई 4.98 मीटर, कुल वजन जो है इसका वो है 4,445 किलोग्राम। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 5,800 किलोग्राम। इसके जो ईंधन की कैपेसिटी है वो है 1,055 किलोग्राम। इसके अलावा इसका जो रोटर है उसका जो डायमीटर है वो है 13.2 मीटर। हमने इसकी स्पीड की बात की है, रेंज की बात करें तो रेंज जो है एक बार में इसकी है वो है 590 किलोमीटर। इसकी चढ़ाई की दर जो है वो 10.33 मीटर है, यानी कि 2.33 फीट प्रति मिनट। इस हेलीकॉप्टर के इस उड़ान ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये हेलीकॉप्टर जो है सिर्फ एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये किसी भी तरह के कॉम्बैट मिशंस को आसानी से पूरा कर सकता है।